कहते हैं कि शिव से बड़ा कोई भी गुरु नहीं है, और जगत गुरु की उपाधि गुरु गोरखनाथ जी को मिली है शिवजी भगवान से। तो अगर आपकी लाइफ में भी गुरु से जुड़ी हुई कोई समस्या आ रही है, वैसे तो आजकल जितने भी गुरु है ना, सब लालची है, सब धोखे बाज है भाई जी। अच्छा गुरु जिंदगी में कोई मिलता ही नहीं है। पहले गुरु होते थे जो शिष्य को पूरी तरीके से ज्ञान देके अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाके उनकी जिंदगी को बदल देते थे, पर आज जब शिष्य अपनी मर्जी से कुछ करने लग जाता है तो गुरु ही उसकी दौर को काट देते हैं। कहने को तो गुरु कहते हैं कि हमें खुशी है तू सक्सेस हो रहा है, पर आने वाले सभी रास्ते गुरु के द्वारा ही बंद कर दिए जाते हैं। अगर आज आपकी गुरु से अनबन हो गई तो गुरु ही आपके सारे रास्तों को बंद कर देता है। कितने ऐसे मेरे भाई है, मेरी बहनें हैं जिनकी मेरे पास कॉल आती है कि भाई मेरे गुरु ने मेरे साथ ये कर दिया, मेरे गुरु ने मेरे साथ ये कर दिया, हमें अच्छा गुरु ही नहीं मिलता, मेरे गुरु ने मेरी शक्तियों को उतार लिया, मेरे गुरु ने मेरे को धोखा दे दिया और मेरे गुरु ने ही मेरा सत्यानाश कर दिया। वो होता क्यों है, क्या गलती रह जाती है, क्या कमी रह जाती है? क्योंकि आज के टाइम में ना जितने भी लोग के घर बर्बाद हो रखे हैं वो किसी ना किसी भगत के द्वारा ही हो रखे हैं। आपके रास्ते खुल जाते हैं, रास्ते खुल के आप ठीक होने लग जाते हो, सारी चीज हो जाती है, पर बीच में एक मोड़ आता है कि दोबारा आपका हालात वैसे ही हो जाते हैं जैसे आपके पहले थे। या क्या कमी रह गई, आपने गुरु भी बना लिया था, गुरु बनाने के बाद भी आपके रास्ते नहीं खुले, और खुले थे तो फिर दोबारा रास्ते बंद हो गए। वीडियो को अंत तक देखोगे ना तो एक एक चीज बारीकी से आपको समझ आएगी, एक एक चीज आपको विस्तार से समझाऊंगा। अगर आपके भी रास्ते किसी भगत के द्वारा बंद हो रखे ना, कि आपके रास्ते खुल गए थे और भगत से अनबन हो गई मेरी, या आपके गुरु से अनबन हो गई, अगर आपके रास्ते बंद हो रखे हैं तो आज आपके रास्ते पूरी तरीके से खुल जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि वीडियो में एक एक चीज बारीकी से समझाऊंगा, अंत तक वीडियो देखोगे ना तो एक एक चीज आपको समझ भी आएगी भाई। तो लेट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपका प्यारा विकास दहिया दिल्ली दरबार से। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अभी हमने 1,00,000 सब्सक्राइबर का टारगेट रख रखा है, जिसमें हम आने वाले समय में एक एनजीओ ओपन करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपनी गरीब बहनों की शादी करा सके, जो भाई रोड पे सोता है उनके लिए खाने पीने तक का इंतजाम कर सके। और हाँ, साथ में अगर आप बेल आइकन भी दबाते हो, जब जब हम लाइव आएंगे, लाइव में हमसे जुड़ के आप अपनी समस्या का समाधान भी हमसे ले सकते हैं। समस्याएं कैसे भी क्यों ना हो, भूत प्रेत जिंद मसान कोक बंधन क्रिया बंधन व्यापार बंधन किसी प्रकार की दिक्कत क्यों ना हो, आप हमसे लाइव में जुड़ के अपनी समस्या का समाधान हमसे ले सकते हैं। तो लेट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दरबार निराला सारे जग ते प्यारा, सारे भूत प्रेत होवे दूर, बालाजी ऐसी कृपा कर दे जीते जी। जब आप किसी को भी अपना गुरु बनाते हो और गुरु बनाने के बाद जब आप अपने गुरु से आगे एडवांस चलने लग जाते हो तो कहीं ना कहीं गुरु के मन में भी ये होता भाई शिष्य आगे निकल रहा है, या तो उसको आपसे पैसों की लालच होगा जो आपके रास्ते बंद कर देता होगा कि भाई लड़का आगे जा रहा है हमारा रास्ता बंद हो जाएगा, पैसों का लालच आ जाता है, जिससे लालच के चक्कर में आपके रास्ते बंद कर देता है गुरु, आप आगे ना कमा सको या आप आगे ना बढ़ सको बिना गुरु के, इसलिए वो आपके रास्ते को बंद कर देता है। दूसरी, या फिर आपकी कहा सुनी होगी गुरु जी आपने मेरे साथ ये कर दिया, आपने वो कर दिया। कई भगत तो कई ऐसे बंदे देखे, ऐसे शिष्य देखे हैं जो मुझे आके ये बोलते भाई इस भगत ने मुझे ये बोल दिया कि जा तेरे को आज के बाद जिंदगी में कोई ठीक कर देना तो मेरे पैरों तल निकल जाना, और वही चीज लेके वो हर एक भगत के पास जाते, वो ठीक नहीं हो पाता। क्या गलती है, क्या कमी है, आपको ये चीज मैं आपको बताऊं, वो ठीक क्यों नहीं हो पाता। कई मेरे भाई है ना ऐसे परेशान है जो कहते हैं जा तू आज के बाद ठीक ही होके दिखा दे, कोई भगत तेरे को ठीक कर दे मैं तेरे पैरों तले से निकल जाऊंगा। बोला होगा कईयों के साथ, हुआ भी होगा, वो सारी चीज इस वीडियो में मैं बताऊंगा क्यों नहीं ठीक हो पाते, क्या कमी रह जाती है, क्या कारण रह जाते हैं। आज आप अपने पैरों पर अगर खड़े हो रहे हो ना तो आप अपने गुरु के बदौलत ही खड़े हो पाते हो, पर वो जब खड़े होने के बाद आप अलग चलने लग जाते हो तो गुरु ही आपके पैरों को काट देता है और आप नीचे आ जाते हो, बिल्कुल डाउन आ जाते हो। पर इनके बीच में गुरु के और शिष्य के बीच में एक बात आपको बता दूं, एक आध्यात्मिक गुरु हमेशा होना चाहिए, या आप शिवजी भगवान को बनाइए या गुरु गोरखनाथ जी को बनाइए। जैसे ही आपका गुरु आपके रास्ते काटने की सोचेगा तो आध्यात्मिक गुरु आके आपके रास्तों को काटने से बचाएगा, चोट पहुंचेगी। देखो आपको मैं ये नहीं कहता कि आप डाउन नहीं जाओगे, कुछ समय के लिए आप डाउन जरूर जाओगे पर आप रिकवर कर जाओगे।
आप जल्दी ही उस प्रॉब्लम से समाधान से निकल जाओगे, क्योंकि जगत गुरु जिसको आपने गुरु बना रखा है वो आपके रास्ते को खोलेगा, कुछ आपको अलग अलग क्रियाएं बताएगा, वो क्रिया के तहत आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे जिससे आपका शारीरिक गुरु आपको नुकसान ना पहुंचा पाए। कहते हैं भाई जी एक से अगर ज्यादा आप गुरु बनाते हो तो आपको गुरु दोष लगता है, पर ऐसा नहीं है। आप एक से भी ज्यादा गुरु बना सकते हो, एक से भी ज्यादा गुरु से आप ज्ञान ले सकते हो, एक से भी ज्यादा गुरु को आप अपने जीवन में उतार सकते हो, उससे आपके जीवन में कभी भी गुरु दोष नहीं लगता। ये भक्तों के द्वारा चलाई गई एक प्रणाली है जिससे भक्तों के अंदर एक डर आ जाए कि मैं अगर अपने गुरु का त्याग करूंगा तो भाई मेरे को गुरु दोष हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सर्वप्रथम जो गुरु है वो शिवजी महाराज जी को कहा गया है। जब आप शिवजी महाराज जी के चरणों में चले जाते हो तो आपको किसी के भी गुरु बनाने की जरूरत नहीं होती, और अगर आप गुरु बनाते हो तो ज्ञान के लिए बनाते हो, और ज्ञान ही सबसे बड़ा गुरु है। भाई जी मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास आज ज्ञान है तो आप गुरु कहलाने के लायक हो, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप गुरु कहलाने के लायक नहीं हो। और सबसे बड़े गुरु जो हमारे हैं वो शिवजी भगवान और गुरु गोरखनाथ जी, जिनको जगत गुरु की उपाधि मिली हुई है। इन दो शक्तियों को गुरु की उपाधि है। आज हम करते क्या कि आज हम मां काली को गुरु बना लेते हैं, भैरव बाबा को गुरु बना लेते हैं, हर एक शक्ति को हम गुरु बना लेते हैं, वो गुरु बनने के लायक है, मैं मना नहीं कर रहा, पर जगत गुरु की उपाधि जिनको है वो खुद शिव गोरख अवतारी भाई है और गुरु मसंदनाथ जी के शिष्य है, और स्वयं खुद हर हर महादेव भाई जी। अब आपको होता क्या भाई जिंदगी में, मैं बताता हूं। आज आप अपने गुरु से अलग कुछ कार्य कर देना, गुरु कह देगा ये कार्य तूने किया बिना गुरु की परमिशन के किया है, तेरे साथ गलत होगा। पर आपको मैं लिख के देता हूं, अगर आपने शिवजी भगवान को गुरु बना रखा है और आप कहते हो कि हे मेरे शारीरिक गुरु, मैं आज आध्यात्मिक गुरु की मर्जी से, मेरे शिव आपके जो भी गुरु है, शिवजी भगवान है, गुरु गोरखनाथ जी है, गुरु की मर्जी से कार्य कर रहा हूं, तो भाई मैं आपको लिख के देता हूं कार्य 101% सफल होगा। पर अगर उसी कार्य के बीच में अड़चन आने लग जाए ना, तो समझ लेना कि आपके जीवन में कोई भी अड़चन नहीं डाल सकता, खाली एक आपके गुरु के। अगर आपके पास शक्तियां है, सिद्धियां है, साधना है, और उसके बाद आपके गुरु भी है और आपकी लाइफ अच्छी चल रही थी और एकदम से आपकी लाइफ में ठहराव आ जाए, तो समझ जाना कहीं ना कहीं आपके गुरु ने, जो शारीरिक गुरु है, उसने आपके साथ छेड़छाड़ की है, और किसी माई के लाल के अंदर दम नहीं है जो आपकी लाइफ को बदल सके भाई, आपकी लाइफ के साथ छेड़छाड़ कर सके। अगर आपके गुरु थे, गुरु से कहा सुनी होगी, उसके बाद आपकी लाइफ में परेशानी आ रही है, तो जब भी आपके गुरु ने ही आपके साथ छेड़छाड़ की है, क्योंकि तो गुरु की जो शक्ति है ना वो आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेगी। मैं आपको लिख के देता हूं, क्योंकि तो वही शक्ति आपके साथ चलती है, वही गुरु के साथ चलती है। गुरु की शक्ति थोड़ी पावरफुल हो सकती है, मानता हूं, पर वो कभी भी आपके ऊपर गलत चीज का असर नहीं डालेगी, गलत प्रभाव आपके ऊपर नहीं डालेगी। होता क्या कि गुरु ही कहता कि जा इसने मेरे साथ ये कर दिया तो जा तेरे साथ अब ये होगा, और गुरु की बातें परम पूजने होती है। इससे बचने के लिए एक सिंपल सा उपाय है, अगर आपको वही गुरु रखने हैं तो आप अपने गुरु के जितनी भी शक्ति आपको मिली हुई है उनके नाम का संकल्प लेके कि मेरी जितनी भी शक्तियां है वो मेरे अंडर में कार्य करे, आज से मैं अपनी गद्दी का खुद का मालिक हूं और अपने तरीके से मैं इस गद्दी को चलाना चाहता हूं, गुरु का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, इतना कहकर एक संकल्प लेके आप जो गुरु को मैन गद्दी का महाराज, अगर वो मां काली से चलती है गद्दी तो मां काली से, वो अपने देवताओं से चलाते हो देवताओं से, या फिर वो जो गद्दी चल रही है आपके गुरु की वो शिवजी भगवान से चल रही है, भैरवनाथ जी से चल रही है, जिससे भी वो गद्दी चल रही है, उनके नाम का संकल्प लेके उनके चरणों में छोड़ दीजिए। मैं लिख के देता हूं, गारंटी के साथ देता हूं, आपके गुरु ने जितने भी आपकी शक्तियों से वचन ले रखे होंगे वो वचन तो रहेंगे, पर वे वचन कट जाएंगे जिससे आपके गुरु आपके ऊपर कोई गलत क्रिया करते थे, आपके गुरु आपके ऊपर कोई गलत क्रिया कर रहे थे वो वचन कर जाएंगे, खाली गुरु का हाथ रहेगा आपके ऊपर, शक्तियां उसके बाद आपके अंडर में कार्य करने लग जाएगी, आप अपनी गद्दी के स्वयं मालिक होंगे। जितने भी ये गुरु है भाई, जिनके भी गुरु है, कहते हैं भाई मेरे गुरु वो है, मेरे कई भगत देखे भाई मेरे गुरु ने मेरे साथ ये कर दिया, मेरे गुरु ने मेरे साथ ये कर दिया, मैंने उनका त्याग कर दिया है, मेरे आज भी वही गुरु पर मैंने त्याग कर रखा, ये होता कि गुरु तो वही है हमारे, गुरु का तो आशीर्वाद वही है, उनका नाम लेके चल रहे हैं, पर आपने वैसे त्याग कर दिया कि आपका कुछ भी वो गलत ना कर सके। आपकी शक्तियों से वचन जो ले रखे होंगे ना, शक्तियों को रोक के जब वो वचन ले लेते हैं वो वचन की काट हो जाती है। क्योंकि आपको एक चीज मैं बता देता हूं कि गुरु और शिष्य जब वचन लेते हैं किस तरीके से लेते हैं, अगर आज आपको किसी शक्ति का आशीर्वाद मिल गया, मान के चलना आज आपको साथ बालाजी महाराज चल रहे हैं या मां काली का कोई आशीर्वाद चल रहा है, तो गुरु उनसे वचन ले लेते हैं कि मैं जब बुलाऊंगा मेरे पास आना होगा, मेरी बात सुना, मैं जब बुलाऊंगा जब मेरे पास आना होगा, जब वरना शिष्य की रक्षा करनी होगी, ये वचन होता भाई, ये शक्ति या शक्ति से होता, कई बार इसको बोल के ले लेते, कई बार जो गुरु होता ना वो आपसे बिना बताए मन मन में बोल के आपके हाथ में जल दे देता है और उससे स्वीकार करवाता, वचन ले लेता शक्ति से, तो शक्ति से वचन लेने के बाद सारी चीज होने के बाद वो वचन हमें काटना होता है।
कि आपकी शक्तियों पे हक सिर्फ आपका हो, आपके गुरु का नहीं। और आपको एक चीज और बता देता हूं, गुरु आपकी शक्तियों को कुछ समय के लिए रोक सकता है, कुछ समय के लिए चला सकता है, कुछ समय के लिए बांध सकता है, पर परमानेंट आपसे दूर नहीं कर सकता। जब आपका गुरु आपकी शक्तियों को बांधेगा, रोकेगा, तो आपके शरीर में पेशी बननी बंद हो जाएगी, आपके शरीर में शक्ति आनी बंद हो जाएगी, आपके शरीर के आपके ऊर्जा जो अगर आता था वो आना बंद हो जाएगा, आपको शारीरिक पीड़ा थोड़ी बढ़ जाएगी, शरीर में दर्द, पेट में दर्द, एक्स वाई जेड आपको बढ़ जाएगी, पर जब आप उसकी काट कर दोगे तो ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। कभी तो ये ठीक हो जाएगी, कभी आपको आपकी शक्ति आपके पास दिखेगी तो कभी दूर दिखेगी, कभी आपके आसपास वो दिखेगी, पर वो आपके शरीर में नहीं आएगी, पेशी बननी आपकी बिल्कुल बंद हो जाएगी। गुरु जब शक्ति रोकता है तो उसकी काट मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूं कि गुरु से आपको किस चीजों का ध्यान रखना है। अगर गुरु आपके ऊपर पतासे ले ले, लड्डू ले ले, पान पिड़ा ले ले, अगर आपके सर पे रख के अगर वो रख देता साइड में, तो समझ लेना जब भी आपकी शक्तियां बंद चुकी है। क्योंकि जब अगर गुरु को आशीर्वाद देना, वो प्रसाद सर पे रख के नहीं देगा भाई, पहली बात सुन लेना मेरी बात, वो आपके हाथों से चढ़वा देगा या फिर आपके ऊपर से कोई उतारा करेगा। उतारा कभी भी करने के बाद वो रखेगा नहीं, उसको सीधा चौराहे पे देंगे या शमशान में देंगे या जगह पे देके आएंगे। बात सुन लेना भाई, वो रखा नहीं जाता, वो उतारा करके दिया जाता भाई। भूत का उतारा अलग होता, अगर वो उतारा करके उन्होंने अपने मंदिर में रख दिया या फिर कहीं और रख दिया कि इसको हम बाद में देंगे, इसको वो करेंगे, तो समझ लेना उस समय आपकी शक्तियां बंद चुकी है। क्योंकि उतारा बांधने के लिए किया जाता है, समझ लेना मेरी बात, उतारा बांधने के लिए किया जाता है, आपके शरीर पे बांध दिया। कई गुरु अगर शक्तियों से अच्छी तरीके से वचनों में है तो सर पे भी रखने से वो शक्तियां बंद जाती है, वरना आपके ऊपर से घुमा दिया और घुमा के रख दिया वहां पे, तो समझ लेना जब भी आपकी शक्तियों को बांध दिया गया है। अगर आप ये सोचो कि भाई जी मेरे गुरु ने मेरी शक्तियां नहीं बांधी, तो 100% बांध दिया, आप शक्तियां आपके गुरु के नेतृत्व में चलेगी। गुरु से आप बोलोगे कि भाई शक्तियां नहीं आ रही, तो गुरु बोलेगा तो वो शक्तियां आएगी, गुरु नहीं बोलेगा तो वो शक्ति आपके शरीर में नहीं आएगी, पूरी तरीके से आपके शरीर पे वो वश कर दिया आपके गुरु ने, आपकी शक्ति को उतार लिया, उतार के जब वो चाहेगा जब भेजेगा, जब चाहेगा जब ले लेगा। ये चीज, इसकी भी मैं आपको काट बताऊंगा अभी। अगर आपके शरीर पे से भी कुछ उतारा करके आपने के गुरु ने खा रखा है या कुछ वो कर रखा, कहीं रख रखा, तो इसकी भी मैं आपको काट बताऊंगा अभी इस वीडियो में। सबसे पहले तो आपको ये देखना कि आपके गुरु ने किस चीज का उतारा किया, मेरी बात समझना, किस चीज का उतारा किया आपके ऊपर से, लड्डू का किया, पतासों का किया, या फिर एक्स वाई जेड किसी अन्य चीज का आपका उतारा किया, वो उतारा रखा कहां पे, उसी तरीके से आपको वो उतारा करना। कुछ मंत्र होते हैं इसमें, मंत्रों से भाई आप अपने शरीर को खोल सकते हो, अपने गुरु के द्वारा बंधे हुए चीजों को खोल सकते हो। इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपके गुरु की गद्दी का प्रधान कौन है। अगर आपके गुरु से साथ 6 महीने साल भर आपका हो गया, तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपके गुरु की गद्दी का प्रधान कौन है, वो किसको मैन लेके चलता है। अगर आपको नहीं पता है तो फिर भी आप कर सकते हो, आपको खाली अपने गुरु का नाम लेना है कि मेरा गुरु ये है, मैंने इनको गुरु मान रखा है, इन्होंने जो भी मेरी शक्तियां रोकी है वो शक्तियां मेरी वापस आए, जिनके सामने उन्होंने प्रसाद रखा था उनका नाम लेके आप वो कीजिए, अपना भोग प्रसाद लगाइए, उसके अंदर 2 भोग प्रसाद एक्स्ट्रा रख देना कि मैं आपको बुला रहा हूं, आज के बाद आपको मेरे पास रहना, इतना कह के अपने गुरु का नाम लेके वो भोग प्रसाद उनके चरणों में रख देना। उसके बाद करंट में ही आपको 1% भी देर नहीं करते हुए ध्यान पे बैठ जाना, पेशी को बुलाना, पेशी ना आए आपकी तो चौराहे वाली माता चौगानन माता पे पान पिड़ेगा भोग लगा देना, आपकी पेशी 101% आएगी, जो रोक रखा है वो उतारा जो आप दोगे वो अपने ऊपर से 7 बारी घुमा के माता चौगानन पे देना। माता चौगानन जो भी शरीर में अड़चन आ रही है, जो भी दिक्कत आ रही है, जिस वजह से पेशी नहीं बन रही है, इतना कहकर उसको खताओ और मेरी शक्तियों को आने दो, इतना कहकर चौराहे वाली माता पे पान पिड़ेगा भोग लगा देना। भोग लगा के आपको करना क्या है भाई, भोग लगा के आपको ध्यान पे बैठ देना, जब भी शक्ति आए आपके आसपास, कोई भी आपकी वाइफ हो, आपकी माँ हो, आपका भाई हो, कोई भी आपके आसपास क्यों ना हो, उनसे कहना कि शक्तियों से वचन ले लेंगे, जल दर के जल हाथ में लेके वचन ले लेना कि भाई मेरी ये शक्ति है, आज के बाद इसी दरबार में रहना। अगर आपको मेरे गुरु भी रोकते हैं, कोई तंत्र रोकता, कोई मंत्र रोकता, कोई यंत्र रोकता है, सबको साइड रहता और अपने गद्दी पे विराजमान हो, किसी के रुकने से आपको रुकना नहीं है। दूसरी बात आपको बता दी। तीसरा मैं आपको स्टेप बता देता हूं, गुरु का ही त्याग कर दो। अगर गुरु आपके शरीर पे बार 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 कोई तंत्र विद्या कर रहा, कोई भेज रहा है, बार बार कोई ना कोई आपको दिक्कत आ रही है, तो इस सिचुएशन में गुरु का ही त्याग कर दो। अपने गुरु का नाम लेके, मैं नाम ये है, मेरा पता ये है, मेरी सारी चीज ये है, और अपने गुरु का जल लेके आप संकल्प लेके छोड़ दीजिए, आपके गुरु का त्याग हो जाएगा। पर करंट में एक उसी समय आपको गुरु गोरखनाथ जी को गुरु बनाना होगा, क्योंकि जब आप त्याग कर देते हो तो आपका एक सुरक्षा चक्र अट जाएगा, और सुरक्षा चक्र आपको बनाने के लिए किसी भी एक शक्ति को, गुरु गोरखनाथ जी को, शिवजी महाराज जी को गुरु बनाना होगा। गुरु बनाते ही आपके गुरु, आपके जो पहले गुरु थे, वो आपके ऊपर कोई भी तंत्र विद्या का प्रयोग नहीं कर सकेंगे, आपके ऊपर कोई भी जादू टोना नहीं चल पाएगा।
ये वो जानकारी मैंने बताई है जो लोग परेशान है आज के समय किसी ना किसी तंत्र से, किसी ना किसी मंत्र से। और गुरु जब आप सक्सेस होने लग जाते हैं कहीं ना कहीं आपकी काट करने लग जाते हैं, आपके मुंह पे अच्छे रहेंगे पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, आपके सामने अच्छे दिखाएंगे पीठ पीछे आपकी सारी चीज करेंगे। क्योंकि मैंने लाखों लोगों के ना सुने हैं देखे हैं और कहते हैं भाई कोई गुरु ये नहीं चाहेगा कि उसका शिष्य कामयाब नहीं हो, पर गुरु ही वो चीज है जो शिष्य को कामयाब देख के खुश नहीं है। पहले वाले गुरु नहीं रहे, पहले वाली भक्ति नहीं रही, समय बदल गया, टाइम बदल गया, कुछ भी पहले वाला नहीं रहा भाई। अगर गुरु ये चीज नहीं चाहेंगे तो शक्ति को रोक क्यों देते हैं भाई, मेरा क्वेश्चन ये है। क्यों झूठ पे झूठ बोल के शिष्य को पागल बनाया जाता है, क्यों उसको अंधकार में रख के उसको और अंधकार में ढकेला जाता है। गुरु का मतलब ही होता है अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाना, पर गुरु यह कि अगर शिष्य प्रकाश की ओर जा रहा हो तो उसे अंधकार की तरफ लेके जाना। आज के समय ये हो रहा है भाई, उल्टा हो गया गुरु की परिभाषा। गुरु की परिभाषा ये होती थी अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाना और प्रकाश से अब अंधकार की ओर लेके जाना। अगर शिष्य को कुछ शक्तियां मिल गई, उसको अच्छे सपने आ रहे हैं या फिर अच्छे उसके रास्ते खुल रहे हैं या उस गुरु से आगे जा रहा है, तो गुरु का ये हो जाता है ये मुझसे आगे कैसे चला गया, इसने अकेले ने ये कार्य कर कैसे दिया। घमंड आ जाता है, ईगो आ जाती है, उस ईगो को सैड रखा करो भाई। अगर आपको सैड नहीं रखना, ये भगवान है, किसी को कोई वरदान दे दिया ना, अगर आप उसके वरदान के साथ खेलते हो तो कहते हैं भगवान की लाठी है ना लगती है पर वो दिखती नहीं कब लग गई। मैं बता रहा हूं भगवान की लाठी में दम बहुत है, जब वो लगती है ना किसी को दिखती नहीं है। आज आपका शरीर में जान है, आज आप कहोगे थोड़ी शारीरिक दिक्कत होगी, थोड़ी समस्या होगी, तो आप कहोगे मैंने तो सब ठीक है। जब शरीर बूढ़ा होगा ना, बुजुर्ग होगा और ऊंचा होगा, जब जाके जब आपके बस की भी नहीं होगा, जब आप कहोगे भगवान मेरे ये मदद कर दे, जब मदद करने वाला कोई भी नहीं खड़ा होगा, क्योंकि आपके जितने भी पाप है, आपको भक्ति दी थी, भक्ति इसलिए दी थी ताकि आप लोगों का जगत कल्याण कर सको, लोगों के रास्ते खोल सको, इसलिए नहीं दी थी कि उनको प्रकाश की ओर जा रहे तो उनको और अंधकार में धकेल दो, उनके रास्ते रोक के, समस्याएं खड़ी करके, उनकी प्रॉब्लम का समाधान ना देके। अगर आपके साथ भी किसी गुरु ने ऐसा कर रखा, क्या दिक्कत आ रखी है, कोई परेशानी आ रखी है, तो कमेंट करके जरूर बताओ भाई किस किस के साथ ये दिक्कत है, किस किस के साथ ये है। आपका भाई बैठा हुआ है, किसी भी समय एनी टाइम आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, कॉल मैं एनी टाइम पिक नहीं करता पर व्हाट्सएप पे रिप्लाई आपका जरूर मिलेगा, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना भाई जी। मिलते एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय के साथ, जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव, हर घर महादेव।